चंदू पाटिल को कहना चाहता हूं, पहले चंदू पाटिल पहले इलेक्शन जीत, बाद में 70% और 30% की बात कर। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे ऊपर केस है सैयद अड़न के मामले में, मुझ पर इल्जाम है कि मैंने 1.5 घंटा रास्ता रोका है। कोर्ट को जाएंगे, पेशी अटेंड कर रहा हूं, कोई डर नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आपके लिए ऐसे 1000 केस अगर आते हैं तो आपका ये भाई लेने के लिए। नासिर उस्ताद, नासिर उस्ताद, 3 नंबर पे हमारा निशान है। 3 नंबर को 10 तारीख के दिन आपको बताना है कि गुलबर्गा की एकता भी हमको बताना है। आज कर्नाटक के अंदर लोग कितने भी बातें करें, सीएम तो हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नासिर हुसैन उस्ताद को अगर आप जीता के भेजते हैं, मैं बड़ी बात तो स्टेट से नहीं कर रहा है, कम से कम उन्होंने मिनिस्टर बनते हैं आप ये सोचिए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है, हमको कितना दर्द है वो हमको मालूम है। अगर आप मुस्लिम चौक पे जो गरीब लोग आज व्यापार कर रहे हैं उनके बंडे उठा के फेंक रहे, तो नासिर हुसैन उस्ताद के ऊपर 4 केस डाले गए, आपको मालूम होना चाहिए। 4 केस के कम से कम हमको 5 साल कोर्ट में फिरना पड़ेगा। देखिए, मेरी आपसे इतनी ही दर्दमंदाना अपील है, आजिजाना अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके दरमियान मिन जानिब अल्लाह एक बेहतरीन नुमाइंदा जो कौम की आवाज को, आपकी आवाज को असेंबली में बहुत ही अच्छे अंदाज में उठा सकता है। कौम के मसाइल हम 10 जुलूस निकालेंगे, अगर यहाँ से सुपरमार्केट तक, मिनी विधानसभा तक 10 जुलूस निकालना कोई काम का नहीं है। एक अगर खायद हमारा असेंबली में आवाज उठाने वाला हो, बेबाकी से कौम की आवाज उठाने वाला खायद हमको चाहिए। खमरुल इस्लाम साहब के बाद, खमरुल इस्लाम साहब वाकई शेर कर्नाटक थे और हमको ताहयात, हम जब तक हयात है उनको शेर कर्नाटक ही मानते हैं, क्योंकि गुलबर्गा के मुसलमानों में शऊर जो बेदार करे वो खमरुल इस्लाम साहब थे। आज खमरुल इस्लाम साहब के हयात के बाद वो सीट जो है ना पुर नहीं हुई है। मोहतरमा ने टोटली जो है ना, उनको इल्म नहीं है, उनको तजुर्बा नहीं है, उनको तालीम नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में एक MLA के इख्तियारात क्या है, आप किस तरीके से वो डिपार्टमेंट को अप्रोच हो सकते हैं, वो जानते ही नहीं है। और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके, उनको बताना चाहते ही नहीं है, इसलिए कि अगर वो मैडम वो चीज़ जान गए तो फिर इनका मामला ख़राब हो जाता। तो इस कश्मकश में हम अवाम जो है ना, पूरी जो है ना गुलबर्गी की जो अवाम है वो परेशान है। तो अवाम पर एक गैर ज़रूरी तुम्हें कुछ लोग जो है ना, मफाद परस्त लोग अपने मफाद के लिए पूरी कौम को जो है ना, जो एक जो है ना नामालूम सी जो है ना, जिसको जानकारी नहीं है, ऐसी क़यादत क्यों थोप रहे हमारे पे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जय हिंद, जय कर्नाटक। अब ये तमाम बातें जो है हम स्टेज से सुनते जरूर हैं, फेसबुक पे भी देखते जरूर हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तमाम सोशल मीडिया पे जो है हम देखते जरूर हैं कि कौन बेहतर कैंडिडेट है, कौन हमारी आवाज उठा रहा है, पिछले 5 सालों में असेंबली में जीते हुए हमारे कैंडिडेट कितने बार आवाज उठाए हैं, सब चीजें देखते हैं। लेकिन आखिर में पैसे कौन कितने दे रहा है कि भाई, इन्हें 1000 दे रहे तो 2000 कौन देता, जरा ढूंढ। बोलते हैं नहीं बोलते, तो ये 2000 हो या 5000 हो, यह आपके पास टिकने वाली रकम नहीं है। यह आपके पास एक दिन में खत्म होगी, एक घंटे में खत्म होगी, लेकिन यकीन जानिए कि ये 2000-5000 में आप अपना ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। आज मेरे ऊपर एक FIR दर्ज है, मैंने पेपर में दिया है, एक इलेक्शन कैंडिडेट को अपने केसेस बताना है, मैंने FIR दर्ज बताया है। मेरे ऊपर केसेस है अड़न के मामले में, मुझ पर इल्जाम है कि मैंने 1.5 घंटा रास्ता रोका है। कोर्ट को जाएंगे, पेशी अटेंड कर रहा हूं, कोई डर नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। आपके लिए ऐसे 1000 केस अगर आते हैं तो आपका ये भाई लेने के लिए। नासिर उस्ताद, नासिर उस्ताद, डरने की जरूरत नहीं है। मिल्लत के खिलाफ अगर आवाज उठती है कोई नजर नहीं आता, इलेक्शन आता है
तो ये बाहर निकल के आते हैं, हिसाब किताब लेकर के आते हैं, भाई हमारा वोट बैंक कितना है, हमारा वोट बैंक कितना है। मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरा कोई पार्टी का वोट बैंक नहीं, मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखता, मुझे वोट बैंक की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दुआओं पर यकीन है, आपकी ताकत पर यकीन है। आपको फैसला करना है गुलबर्गा शहर की अवाम अच्छे सोच समझ करके डालना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस इलेक्शन में मेरे को कामयाब करेंगे, जनता दल को कामयाब करेंगे। मेरा निशान हमारी माओ बहनों से गुजारिश है, बहुत अहम है निशान, आपको अपने पूरी माओ और बहनों को बताना है, निशान की तरफ से कोई गलती नहीं होना। सीरियल नंबर निशान, आवाज निहारी जोर से बोलिए। आज इस इलेक्शन में पहली चीज ये हो रही है कि कैंडिडेट की फोटो भी है, चेहरा याद रहेगा, यही चेहरा है, चश्मे की फोटो है, तीसरे नंबर पे है। इंशाल्लाह इस तारीख की इलेक्शन में हमारी जद्दोजहद को, हमारी काविशों को, हमारी कोशिश को आप तमाम लोग सराहेंगे और गुलबर्गा शहर के अंदर एक नया इतिहास को दर्ज करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं चंदू पाटिल को कहना चाहता हूँ, पहले चंदू पाटिल पहले इलेक्शन जीत, बाद में 70% और 30% की बात कर। और ये बोलता है कि गुलबर्गे को पाकिस्तान नहीं बनाने दूंगा। अरे चंदू पाटिल, तेरे जैसे 10 या 10,000 नरेंद्र मोदी पैदा होने दो और तेरे जैसे 10 चंदू पाटिल होने दो, ये देश को, ये मुल्क को कोई माइक का लाल पाकिस्तान नहीं बना सकता। और ये मुल्क हमारा है, ये हिंदू का, मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, ये तमाम हम हमारा मुल्क है। ये मुल्क के लिए ऊपर अगर किसी के ऊपर आग उठती है, कोई मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले हमारा मुस्लिम नौजवान आगे आएगा अपनी छाती लेकर चैलेंज करेगा। आओ बताओ, मर मिटने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, इस मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और ये पैसा है, वो करोड़पति का बेटा है, बहुत पैसा होगा तेरे पास, रख ले तेरा पैसा, लोगों को खरीद रहा है। जो कितनी भी कोशिश कर चंदू, तेरा ऐसा चांद है और चांद ऐसा घृण होगा, फिर 5 साल तक तू मिलते रहेगा तेरे घृण के बराबर। नरेंद्र मोदी निकले हैं ऐसे रोड पर, निकले पूरे बैरिकेड लगा के छोड़ा रोड के ऊपर, खाली नाकाबंदी, नोटबंदी करे, नाकाबंदी करे, GST करे, खाली लोगों को तकलीफ देने का काम करे। जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बना है, सिर्फ और सिर्फ हमको तकलीफ देते आ रहा है नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये दो बदमाश जो है मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये अमित शाह कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, फिर ये कहता है कि NRC और CEWA लाएंगे। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं, अमित शाह तू कितना भी कोशिश कर ले, जब तक बाबा साहब अंबेडकर का जो दस्तूर हिंद है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तू रहने दो, तेरा बाप मोदी रहने दो, CEWA सिटीजनशिप एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज नहीं कर सकता, मैं भी कानून दा हूं, देखने दो, आने दो CEWA, NRC आने दो, कैसा NRC ला सकते हैं हम भी बताएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद ही कर सकते हैं, ये तय हो चुकी है बात, सारे लोग, सारे तबकात नासिर हुसैन उस्ताद की ताईद कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप नासिर हुसैन उस्ताद को मुंतखिब करें। एक बेबाक कायद होना जरूरी है। कमल इस्लाम का इंतकाल हो गया, लोग ये कहते हैं कि किसी आलिम का इंतकाल होता है, किसी लीडर का इंतकाल होता है, तो ये कहा जाता है कि क़यादत का खलाफ पैदा हो गया, आलिम का खलाफ पैदा हो गया, लेकिन जो खलाफ पैदा हो उसको पुर करना भी ज़रूरी होती है। अब अगर यहाँ सीट खाली है तो सीट पर किसी को बिठाना चाहिए ना, तो अगर खमरुल इस्लाम के इंतकाल से क़यादत का खलाफ पैदा हुआ है, तो उस खलाफ को पुर करने के लिए दूसरे खमरुल इस्लाम को लाना ज़रूरी।